हमारे देश में क्रिकेट का हाइप कितना है ये हम सब जानते हैं, और इसीलिए बहुत सारे प्लेयर का अलग अलग फैन बेस भी है। लेकिन जब बात आता है ना क्रिकेट को लेके मूवी के बारे में, तो एक ही मूवी का नाम दिमाग में आता है जो कि सबका पसंदीदा भी है। वो मूवी का नाम है MS धोनी, और ये फिल्म सबको पसंद आया था। देखो MS धोनी को छोड़कर भी बहुत सारा फिल्म बनाए, जैसे कि सचिन पाजी का फिल्म और कपिल देव जी का भी फिल्म बनाए, पर वो फिल्म उतना चल नहीं पाया जितना कि सुशांत सिंह राजपूत के MS धोनी ने कमाल किया ना, वो ऐसा अब तक कोई नहीं कर पाया। और इसी को देख के MS धोनी का सीक्वल बना रहे ये लोग, जिसका नाम है मिस्टर एंड मिसेस माई। तो आप देखो सुशांत सिंह अब फिल्म बना सके ये तो देख सकता है, भले उस फिल्म में सुशांत सिंह ने जो परफॉर्मेंस दिया MS धोनी का वो तो असम था, पर इस बार जो आ रहा है वो भी कुछ कम नहीं जाता है राजकुमार राव के साथ साथ जाह्नवी कपूर। अब रिसेंटली हम लोगों ने राजकुमार राव का नया फिल्म देखा है सिकंदर बोला, जिसमें उसका परफॉर्मेंस नेशनल अवार्ड भी दिला सकता है। पर ये जो फिल्म होने वाला है मिस्टर और मिसेस माई, क्या ये MS धोनी का सीक्वल होने वाला है या फिर क्या है इसका स्टोरी, इसी के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। देखो मिस्टर और मिसेस माई MS धोनी का सीक्वल हो रहा है या फिर नहीं ये तो आपको बाद में पता चल ही जाएगा, लेकिन इस फिल्म में MS धोनी का एक बड़ा पार्ट होने वाला है, क्योंकि ट्रेलर में हम लोग राजकुमार राव को ऐसे ही देखते हैं जैसे कि MS धोनी का स्ट्रगल पीरियड था, मतलब उसको खेलने का तो शौक था लेकिन उसको घर से परमिशन नहीं मिल रहा था। जैसे MS धोनी फिल्म में दिखाया गया था ना, उसको टीटी का काम के चक्कर में उसको खेलने का समय नहीं मिल रहा था, ठीक ऐसे ही राजकुमार राव को भी घर के इशू के कारण उसको खेलने का मौका नहीं मिला। ये सब तो और इसीलिए उसका सपना उसका गर्लफ्रेंड पूरा करेगा ये ठान लिया। मैं तुम्हें क्रिकेटर बनाने वाला हूँ। तो क्या जाह्नवी कपूर तो ऐसे ही खेल रहा था राजकुमार राव के साथ, और वहाँ पर जाके कोच भी बन गया राजकुमार राव, जहाँ पर मिस्टर माई का सपना होता है कि मिसेस माई इंडिया के लिए खेले, और इसीलिए क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा था मिस्टर और मिसेस माई को वो दिखाया जाएगा फिल्म में। अब देखो फिल्म आने वाला है 31 मई को, जहाँ पर कुछ ही दिन बचा है, लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ये फिल्म में राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर का नाम होने वाला है मिस्टर और मिसेस माई, लेकिन ऑन स्क्रीन इन लोगों का नाम होने वाला है महिमा और महिंद्रा। अब महिंद्रा जो होता है वो बचपन से क्रिकेट खेलता है, उसको क्रिकेट का बहुत ही शौक है, लेकिन एक गरीब घर का लड़का होने के कारण उसको गरीब घर का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों का होता है, क्योंकि पैसे का दिक्कत आता ही है, और इसीलिए महिंद्रा को भी क्रिकेट से निकाल देता है उसका पापा। जिसके बाद उसका मुलाकात होता है जाह्नवी कपूर से, जो कि देखता है बड़े बड़े छक्का मार रहा है। अब तब फिर से उसका सपना जाग जाता है, ये लड़की कमाल करेगा ये सोच लेता है। फिर महेंद्र उसको समझाते हैं तुम सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए बने हो और किसी काम के लिए नहीं। तो इस फिल्म में महिमा एक डॉक्टर है जो कि डॉक्टर छोड़ के क्रिकेट खेलने चला आता है, और बंदी का वहां पर से स्ट्रगल शुरू होता है। अब देखो वहाँ पर तो राजकुमार को पता था कि मिसेस माई को क्रिकेट पसंद है, और जिसको जो चीज पसंद है उस पे अगर काम करेगा ना तो 100% सक्सेस होगा। तो यहाँ पर माहिमा का तो क्रिकेट बचपन से पसंद था, चाहे वो खेलने में हो या फिर देखने में, और इसीलिए राजकुमार ने उसको ट्रेन करके इंडिया में खेलने के लिए भी तैयार कर देता है। लेकिन फिल्म है उतर चढ़ाव तो आएगा ही, तो ऐसे कुछ जगह में ऐसे इमोशन भी करेगा। मैं पक्का सिलेक्ट हो जाऊंगा, मेरा सपना मत छीनिए पापा प्लीज, ये सपना सकता। और कुछ जगह में कॉमेडी ड्रामा भी दिखाया जाएगा। माही भैया फ्रंट फुट पे छक्का मारना है। बच्चे तो आप बात करते हैं ये फिल्म के MS धोनी का सीक्वल होने वाला या फिर नहीं। तो दोस्तों MS धोनी जो था ना वो एक बायोग्राफी फिल्म था, धोनी के ऊपर वो फिल्म बनाया गया था, और जिसने फिल्म बनाया था वो अभी हमारे साथ नहीं है। तो ये फिल्म तो MS धोनी का कोई सीक्वल नहीं है, पर उस फिल्म से बहुत सारा इंस्पिरेशन मिला है, जैसे कि यहाँ पर MS धोनी का वो वर्ल्ड कप वाला फोटो और MS धोनी का स्टाइल में बहुत सारा शॉट भी दिखा है। तो फिल्म तो आने वाला है 31 मई को, लेकिन उससे पहले तुम बताते जाना तुम्हारा सबसे पसंदीदा क्रिकेटर कौन है, MS धोनी या फिर कोई और, नीचे कमेंट पे बताना। तो भाई साहब इस फिल्म का ट्रेलर हमको एक सॉफ्ट फीलिंग कराया, खास करके जाह्नवी का। ओ जादू है रे जादू तेरी बातों में, सुनी सुनी काली काली रातों। और इससे पहले भी इन दोनों का जोड़ी वाला फिल्म हम लोग देख चुके हैं, बता सकते हो कौन सा फिल्म है? फिल्म का नाम है रूही।
और अगर तुमको राजकुमार राव का रिसेंट कोई फिल्म देखना है ना तो श्रीकांत बोला देख लो, और उससे पहले अगर जानना है तो श्रीकांत बोला के बारे में हमारा ये वीडियो देख लेना जो ऊपर में लिंक आ रहा है, उसमें हमने बताया श्रीकांत बोला के बारे में। तो भाई बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगला वीडियो में कुछ एक नया टॉपिक के साथ, एक नया मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय।